एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज बहुत दिनों के बाद मैं अपने सेकंड चैनल के लिए, यानी कि जिस चैनल पे आप ये व्लॉग देख रहे हैं, उसके लिए व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो आज है वेडनेसडे और अभी शाम का टाइम हो रहा है, 5:45 हो गए हैं। तो जस्ट अभी मैं ऑफिस से पहुँची हूँ और आज सुबह जो है बिल्कुल बिस्तर की तह वह लगाने का भी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था, क्योंकि सुबह जो है पता नहीं क्यों आज मुझे बाल वाल धोने थे, बाल धोने थे, तो उस चक्कर में जो है थोड़ा सा लेट हो गई मैं सुबह। और सुबह पता नहीं क्यों जल्दी भी करो तो भी थोड़ा सा लेट हो ही जाते हैं आजकल। एक तो टाइम इतना जल्दी जल्दी निकल जाता है कि कुछ पता ही नहीं चलता है। ये रही मैं आजकल, पहले मैंने ये एक लेयर ये पहनी है, उसके ऊपर फिर जैकेट पहनी थी, फिर शॉल लिया था, तो इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है। तो अभी आके जो है ऑफिस से मैंने कपड़े वपड़े चेंज नहीं किए हैं। और अगर आपको याद हो तो ये सूट अमृता की शादी पे हम लोगों ने सेम सूट स्टिच करवाए थे सारी सिस्टर्स ने, तो ये उसी में से एक है। तो ऐसी सी बात है, उठवी को मैंने संतरा दिया है खाने के लिए, तो वो खा रही है अपना संतरा और मैंने करने हैं अभी काम। बट पहले सोचे कपड़े वपड़े चेंज कर लूँ। हाँ खाओ। ऐसे क्या क्या हुआ? खट्टा कपड़े नहीं गंदे करो। तो इसको मैंने ऑरेंज दिया है क्योंकि अभी सीजनल फ्रूट है, तो बच्चों को जरूर खिलाने चाहिए। तो इसके कमरे की लाइट अच्छा है। एज यूजुअल वैसे करके गए। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो पूरी क्लीनिंग कर दी है आदित्य की, अलमीरा बिल्कुल खाली कर दी, ऊपर से सामान सेट करके रख दिया है। और ये बेडशीट मैंने इसको कर ली दी थी चेंज करने के लिए, कर दिया। रजाई वगैरह तय लगानी है वो मैं ही लगा दूंगी आज, तो मैंने ही अपने रूम की रजाई की तय नहीं लगाई सुबह, तो इसको भी मैं क्या ही बोलूँ। तो अभी मेरे जो है बाहर नहीं, किचन में जो है काफ़ी सारे बर्तन हैं धुलने के लिए, क्योंकि आज सुबह मैं जैसा कि कह रही हूँ कि कुछ टाइम लगा नहीं, और वैसे भी सुबह मेरे को टाइम नहीं लगता ये बर्तन वर्तन साफ करने का। तो ये सारे बर्तन मैं धोने में डाल देती हूँ। गीजर मैंने ऑन कर दिया है क्योंकि गर्म गर्म पानी से ही बर्तन आजकल धुल पाते हैं, क्योंकि आजकल है भैया सर्दियाँ और सर्दियों में खाया जाता है घी, तो जब घी खाते हैं तो बर्तन भी क्या होते हैं चिकनाहट हो जाती है उनमें, तो गर्म पानी से ही साफ होते हैं। तो इसलिए फिर मैं आराम से जो अभी रिलैक्स होकर इधर उधर घूम रही हूँ, क्योंकि गर्म पानी होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चलिए पानी का गर्म होने का कर लेते हैं वेट। मीनवाइल हम क्या करते हैं कि अपने जो कपड़े हैं उनको भी चेंज कर लेते हैं। और यस थैंक यू। ये क्या करती है ना, ये संतरे में से थोड़ा सा रस खा लिया इसने, फिर ये मुझे पकड़ा देती है, बस ऐसे तोड़ के थोड़ा सा चूस के हो गया इसका। तो मैं कपड़े वपड़े चेंज करके ये बिस्तर सुधार लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है सोचू वॉशिंग मशीन लगा दूँ, देखती हूँ अभी, नहीं तो फिर बर्तन वर्तन धो के डिनर की तैयारी। Thank you.
वॉशिंग मशीन जो है वो मैंने चला दी है, उर्वी को मैंने टॉयज दे दिए हैं निकाल के, तो वो अपने टॉयज से खेल रही है, खाना उसने खा लिया है आते ही। और अभी जो है ये गर्म पानी की जो बकेट है ये मैं भर के लाई हूँ, पानी गर्म हो गया कि जब जो है मैंने बंद कर दिया है, तो बस अब मैं गर्म पानी से बर्तन धोऊंगी और बस फिर खाने की तैयारी। और बाकी तो जो भी साफ सफाई मैंने करनी थी वो मैंने कर दी है। ये वाला क्लच ना बहुत ही डिफिकल्ट है खोलना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैं फटाफट से धो लेती हूँ अब बर्तन, क्योंकि बर्तनों का जो ढेर है वो आप देख ही सकते हैं। वैसे बर्तन ज्यादा नहीं है, बस हाँ ये है कि बड़े बड़े बर्तन है, जैसे कुकर 5 लीटर वाला है, फिर पतीले 2 है, थालियां, तो इस तरीके से है। बाकी सिंक ही छोटी सी है, तो अगर थोड़े से भी बर्तन होते तो बहुत भरी ही नजर आती है। अच्छा जी, कोई नहीं, भरी हो चाहे खाली हो, दोनों तो पड़ेंगे ही है ना, चाहे हंस के काम करना है चाहे रो के करना है। जब काम करना ही है तो हंस के कर लेना, ऐसे ही बीच में डायलॉग मारते, ऐसे डायलॉग का कोई मतलब नहीं बनता। तो चलिए मैं धो लेती हूँ बर्तन। तो जी, कड़ाके की जो ठंड पड़ रही है ना, एकदम सर्दियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसमें मेरा जो इवनिंग रूटीन है वो कुछ इस तरीके का रहता है। ऑफिस से आने के बाद जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं जो खाली करने वाले होते हैं वो अलग, और जो सुबह के ब्रेकफास्ट करने के बाद के जो बर्तन बचते हैं वो अलग, उनको आके मैं वॉश करती हूँ गर्म पानी से, क्योंकि ठंडा जो पानी है ना वो इतना एक्सट्रीम ठंडा होने लग गया है कि हाथ में ना एकदम ऐसा लगता है कि हाथ ही टूट गए हो मानो। वैसे तो मेरे पास ग्लव्स भी हैं जो बर्तन वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं, काफ़ी मोटे होते हैं, उनसे ठंड नहीं लगती है, बट उनसे ना बर्तन से जब तक ऐसे हाथ टच नहीं होता तब तक वो फील नहीं आती कि बर्तन क्लीन हुआ है कि नहीं। टिपिकल हाउस वाइफ वाली जो फील होती है ना, वो ऐसे बर्तन अच्छे से हाथ से मांझने पे ही आती है। तो बर्तन धोने के बाद भी फिर से जो और बर्तन खाली हुए दूध के, जिनको थोड़ा सा टाइम लगता है पानी में डाल के रखने पड़ते हैं, क्योंकि बार बार कड़ता है ना दूध, तो फिर इसीलिए वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं धोने के लिए। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और चाय जो है वो मैं रख रही हूँ बनने के लिए, क्योंकि नीरज अभी ऑफिस से आए नहीं है, लेकिन उनके लिए पहले ही से ही जो है चाय मैं चढ़ा दूँगी। मुझे पता है कि आने का टाइम हो रहा है और बाहर देख के आपको खिड़की से पता चल ही रहा होगा कि अंधेरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और सर्दियाँ हैं तो वैसे भी जल्दी अंधेरा जो है अभी हो जाता है। तो चाय पत्ती और अदरक ऐड करने के बाद अभी बाद में ऐड कर रही हूँ मैं इसमें इलायची, और आजकल की चाय इलायची अदरक लौंग भी डाल दो, काली मिर्चें जो होती है वो भी डाल दो तो भी बहुत अच्छी बनती है, गले के लिए भी सही रहती है, क्योंकि अभी बीमारियाँ ही ऐसी चल रही है कि आए दिन जुकाम बुखार ये सब कुछ चला ही रहता है। तो हमारी जो चाय है वो भी बन के रेडी हो गई है, मतलब बन रही है अभी, बाकी तक हम काम जो है साथ साथ करते रहेंगे। तो क्लीनिंग क्लीनिंग सब कुछ हो गई है, चाय हमारी बन गई है और कपड़े जितने धोने थे उतने धुल चुके हैं। मैंने सिर्फ उर्वी का कपड़े धोए थे तो वह मैंने जो है धो दिए हैं, और अब हम पियेंगे चाय, क्योंकि चाय बन भी चुकी है और नीरज भी आ गए। तो अभी उर्वी ने पानी गिराया था उसको, ये वो कर रहे हैं साफ कर रहे हैं बाकी। बाकी चाय पी लेते हैं फिर मिलते हैं अब आप लोगों से। तो जी, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुके हैं, वीडियो थोड़ी सी जो है अनस्टेबल बनी है, लेकिन यहाँ से मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ धौलाधार का। तो अभी मैं उर्वी को जो है छोड़ के ऑफिस की तरफ जा रही हूँ, तो यहाँ से व्यू देख सकते हो आप। गुड मॉर्निंग, अच्छा हो रहा है। तो कल इतनी तेज़ धूप के बाद आज मौसम जो है एकदम ही ठंडा हो गया,
स्नोफॉल भी हल्का हल्का सा हुआ है, उतना ज़्यादा तो नहीं हुआ है, बट दो दिन के लिए जो है बारिश तो बताइए कि बारिश होगी, अभी पता नहीं क्योंकि रात को तो नहीं हुई है, अब अगर होती है कि नहीं होती है उस चीज़ का पता चलेगा आज, बट हल्की हल्की सी बर्फ़ जो है बिल्कुल हल्की हल्की ज़रा ज़रा सी धौलाधार पर पड़नी शुरू हो गई है। तीसरी बार आई थी, दो बार ऑलरेडी पड़ चुकी है पहले। धर्मशाला के एकदम हर वक्त बिजी रहने वाले रोड, शोर ही इतना ज़्यादा होता है कि व्लॉगिंग का कोई चांस नहीं है। तो जी फाइनली टाइम आ गया है इस व्लॉग को अब एंड करने का, क्योंकि व्लॉग इतना ही मुझसे कंटिन्यू हो पाएगा। तो ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है, धौलाधार का जो व्यू है वो मैंने आपको दिखाई ही दिया है। तो ये जो व्लॉग है इसको मैं अब यहीं पे एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से अब कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे व्लॉग्स देखते रहिए, और अपना जो प्यार है सपोर्ट है इसी तरीके से बनाए रखिएगा। लाइक करना आप भूल जाते हो हमेशा की तरह, तो मेरा काम है आपको याद दिलाना, तो मैं फिर से याद दिला देती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा कि आपको व्लॉग लगा कैसा है।